हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू क्लास। आज आपका इस क्लास में पढ़ेंगे मुहावरा के बारे में, जो एग्जाम 2020 में 3 फरवरी से 12th का और 17 फरवरी से मैट्रिक का होने वाला है। इसके बारे में हम पढ़ेंगे कि मुहावरा, यानी जो हिंदी का एग्जाम होगा, 10th का हो या 12th का, जो हिंदी का एग्जाम होगा उसमें मात्र 5 नंबर यानी 5 मार्क्स मुहावरा से आने वाली, यानी जो मुहावरा होगी वो 5 नंबर का आपसे पूछा जाएगा। वह हिंदी का हो गया, 50 नंबर हो या 100 नंबर का। तो सबसे पहले बात करते हैं कि मुहावरा, मुहावरा क्या है। मुहावरा वैसा शब्द है जो एक अर्थ का, यानी एक शब्द का बहुत बड़ा अर्थ होना, यानी जो मुहावरा शब्द होता है वो हर जगह समाज में बोला नहीं जाता है। क्या होता है, हर जगह समाज में नहीं बोला जाता है, सिर्फ और सिर्फ कहीं कहीं मुहावरा को, शब्द को बोला जाता है। तो सबसे पहले यहाँ पे क्या होता है कि मुहावरा जो होगा वो कितने 5 नंबर्स का पूछा जाएगा। तो चलिए मुहावरा की ओर चलते हैं कि देखिए, पहला जो मुहावरा आपका है कच्चा चवाना। क्या आपका पहला मुहावरा कच्चा चवाना, यानी कठोर, जिसका अर्थ हो जाएगा वो होगा कठोर दंड देना, यानी कच्चा चवाना कठोर दंड देना। कहने मतलब जो कोई आदमी यानी कोई किसी पर गुस्सा होता है तो उसे क्या कहता है, कच्चा चबा जाएगा, यानी उसे कठोर दंड देगा। तो कच्चा चबाना जिस मुहावरा का अर्थ है, इसका भाव कैसे लिखना है कि श्याम ने राम को कहा कच्चा चबा जाएगा, यानी उसे कठोर दंड देने के लिए बोला। उसके बाद आता है कबाब में हड्डी, यानी कबाब में हड्डी का अर्थ हो जाएगा आपका सुखोपयोग में बाधक होना। क्या, सुखोपयोग में बाधक होना। तो यहाँ पे जो कबाब में हड्डी का मुहावरा दिया जिसका अर्थ है सुखोपयोग में बाधक होना, यानी सुखोपयोग, सुखोपयोग कहने का यहाँ पे अर्थ है यानी जब दो व्यक्ति, यानी जब दो व्यक्ति एक दूसरे में बात कर रहा, क्या एक दूसरे से बात कर रहा, उसमें तीसरे व्यक्ति को बोलना कबाब में हड्डी कहा गया। क्या कहा, कबाब में हड्डी कहा गया, यानी सुखोपयोग में बाधक होना। अब कबाब में हड्डी जो मुहावरा, इसका वाक्य लिखना, तो किसे लिखेंगे, इसके वाक्य लिखने के लिए कबाब में हड्डी कि राम और श्याम के बीच गीता ने कबाब में हड्डी बना, यानी गीता कबाब में हड्डी बनी, यानी राम और श्याम, यानी दो राम और श्याम एक दूसरे से बात कर रहे थे उस बीच में गीता ने बोली, तो क्या हो गया, कबाब में हड्डी हो गया। तो उसके बाद आपका जो है करम फूटना, जो मुहावरा है क्या, करम फूटना यानी अभागा होना, भाग बिगड़ना, अभागा होना यानी भाग बिगड़ना। तो यहाँ पे करम फूटना, जैसे अभी कोई चीज होता है यानी कुछ काम के लिए गया नहीं हुआ तो क्या कहते हैं कि करम फूटा हुआ, यानी आपका भाग बिगड़ा हुआ है, यानी अभाग होना। तो इसको कैसे लिखना है वाक्य में, करम फूटना को मुहावरा, करम फूटना मुहावरा को वाक्य में लिखने के लिए क्या कि राम ने, क्या राम ने किसी काम को लेकर, क्या किसी काम को लेकर करम फूटा, यानी कोई काम उसका नहीं हो पाया, भाग बिगड़ गया। उसके बाद जो चौथा आपका होगा कलेजे पर पत्थर रखना, कलेजे पर पत्थर रखना जिसका अर्थ हो जाएगा जी कड़ा करना। कहने मतलब कलेजे पर पत्थर रखना, जी कड़ा करना, यानी जब जैसे मान लो कोई फैमिली है जिसमें किसी को डेट हो जाता है तो क्या होता है, वो उसकी जो फैमिली है कलेजे पर पत्थर रखता है, यानी अफसोस करता है, जी कड़ा कर लेता है कि जो हो गया जो हो गया, यानी वो आप कलेजे पर पत्थर रख लेता है। उसके बाद आपका कलेजा पसीजना, क्या कलेजा पसीजना जिसका अर्थ है दया आना, यानी कहने मतलब किसी छोटे बच्चे या गरीब को या किसी भिखारी को देखकर उस पर कलेजा पसीजता, यानी दया आता है। तो क्या होता है, कलेजा पसीजना दया आना। तो कलेजा पसीजना इस मुहावरे का जो वाक्य लिखा जाएगा, किस टाइप से लिखा जाएगा, वो लिखा जाएगा कि ये राम ने एक भिखारी को देखकर कलेजा पसीजा, यानी उस पर दया आया। उसके बाद है उल्टे पांव लौटना, उल्टे पांव लौटना जिसका अर्थ है तुरंत बिना ठहरे, क्या तुरंत बिना ठहरे हुए लौट जाना, यानी तुरंत बिना ठहरे रुके हुए लौट जाना। उल्टे पांव लौटना यानी कहने का मतलब कहीं जा रहे हैं सीधा और उसे उलट कर तुरंत भाग जाना, यानी उल्टे पांव लौटना तुरंत बिना ठहरे हुए लौट जाना। उल्टे पांव लौटना का मुहावरा जो है, इसका जो वाक्य लिखना होगा कैसे लिखेंगे, इसके वाक्य लिखने के लिए अब क्या कि अंधेरी राम अंधेरी रातों में जाते एक परछाई देखकर, यहाँ राम अंधेरी रातों में जाते हुए एक परछाई देख उल्टे पांव लौटा, यानी उल्टे पांव पीछे की भागा, ठीक है,
उसके बाद है उंगली उठाना, क्या उंगली उठाना उसका अर्थ हो गया निंदा होना या बदनामी होना, क्या होगा उंगली उठाना निंदा होना या बदनामी होना। तो उंगली उठाना जो मुहावरा है उसका वाक्य कैसे लिखना, उंगली उठा, जैसे मान लो कोई एक जो आपस में झगड़ा जाता है तो उसके क्या एक और व्यक्ति क्या कहता है झगड़ा गलती किसी और की और बोल देता है किसी और के बारे में, यानी उसके बारे में बदनामी करता है, उस पर उंगली करता है, तो उसी को बोला गया उंगली उठाना निंदा होना या बदनामी करना। तो इसका जो वाक्य लिखा जाए उंगली उठाना किस टिप से लिखे, राम ने श्याम पर उंगली उठाया, यानी राम ने श्याम को कहा कि इसने श्याम को बदनाम किया। उसके बाद है उंगलियों पर नाचना, उंगलियों पर नाचना जिसका अर्थ है इच्छा अनुसार काम करना, इच्छा अनुसार काम करना, जैसे क्या उंगलियों पर नाचना, यानी कोई मालिक जो होता है उसको जो नौकर होता है क्या मालिक के उंगलियों पर नाचता है, यानी मालिक जो होता है जैसे कोई फैक्ट्री में गया है जो वहां का मैनेजर या मालिक होता है और वहां के जो काम करने वाले वर्कर वो क्या था मैनेजर और मालिक के उंगलियों पर काम करता है, यानी उस मैनेजर और मालिक इच्छा अनुसार काम करता है, उसी को बोला गया है क्या उंगलियों पर नाचना। उसके बाद ऊंट के मुंह में जीरा, ऊंट के मुंह में जीरा जिसका अर्थ हो जाएगा अधिक आवश्यकता वालों के लिए, अधिक आवश्यकता वालों के लिए थोड़ा समान, यानी ऊंट के मुंह में जीरा, यानी कहने जो आदमी ढेर सा खाना खाता हो उस और आवश्यकता वालों के लिए थोड़ा अधिक, ढेर सा खाना खाता हो और उसे थोड़ा सा मिले तो क्या हो ऊंट के मुंह में जीरा। एक टक देखना, क्या होगा एक टक देखना, यानी बिना पलक के गिराए देखते रहना, एक टक देखना जिसका अर्थ होगा क्या होगा बिना पलक गिराए देखते रहना। उसके बाद एक ना चलना कोई युक्ति सफल ना होना, एक ना चलना कोई युक्ति सफल ना होना, एक ना चलना मुहावरे का अर्थ हो गया कोई युक्ति सफल ना होना। यहाँ पे कहने का मतलब जो एक ना चलना वाक है या इसका जो मुहावरा का अर्थ यानी वाक होगा किस टाइप से होगा, एक ना चलना यानी किसी जैसे मान लो कलेक्टर के सामने, कलेक्टर के सामने यानी डीएम के सामने राम की एक ना चला, यानी उसके सामने कोई उसकी युक्ति सफल नहीं, कोई काम नहीं हुआ। उसके बाद कलेजे का टुकड़ा होना, यानी जिसका अर्थ है पुत्र या पुत्री होना, लेकिन यहाँ पे हम लोग कह सकते हैं कि बहुत प्यारा भी होना, क्या बहुत प्यारा होना यानी कलेजे का टुकड़ा, यहाँ पुत्र और पुत्री भी होगा, और आंखों का तारा होना बहुत प्यारा होना, इसका भी अर्थ बहुत प्यारा होना। तो यहाँ पे जो भी कलेजे का टुकड़ा इसका अर्थ है पुत्र या पुत्री, जो कोई भी जो माँ बाप होता उसके लिए जो कलेजे का टुकड़ा होता वह क्या होता बच्चा होता, क्या होता बच्चा। उसके बाद आ गया क्या आंखों का तारा होना, यानी बहुत प्यारा होना, अब आंखों का जो तारा होना बहुत प्यारा होना, इसका जो आंखों का तारा होना मुहावरा है इसका बात कैसे लिखेंगे कि एक राम यानी श्याम या राम कुछ भी कहे, राम अपने दादी के आंखों का तारा, यानी वो अपने दादी के लिए प्यारा है। उसके बाद अगर आ जाए आपको 9-2-11 होना यानी भाग जाना, तो यहाँ पे आप हमेशा सुने 9-2-11 होना भाग जाने, चोर पुलिस को देखकर 9-2-11 हो गया। तो इस और मैं बता दूं कि इस बोर्ड पर पूरा लिखना संभव नहीं था, इसलिए आपको डिस्क्रिप्शन में पीडीएफ का लिंक दिया गया, पीडीएफ का लिंक दिया गया है, आप वहां से पीडीएफ डाउनलोड कर लेंगे, और उस पीडीएफ में करीब 450 मुहावरे हैं, 450 मुहावरे जो एग्जाम 2020 के लिए है, जो एग्जाम 2020 में 450 मुहावरा से में से ज्यादा से नहीं आएगा आपको, और 2020 एग्जाम के लिए जो 10th या 12th के एग्जाम देने वाले हैं, तो आपको पीडीएफ कहां से डाउनलोड करना है, पीडीएफ डाउनलोड करना है वीडियो के नीचे से जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स दिया गया है उस डिस्क्रिप्शन बॉक्स के जाकर देखिए, उस पीडीएफ का लिंक होगा गूगल ड्राइव का, आप वहां पे क्लिक करके पीडीएफ डाउनलोड कर ले सकते हैं। तब तक के लिए नेक्स्ट वीडियो हम मिलेंगे, तब तक के लिए आप हमारे चैनल पे बने रहिए, चैनल को सब्सक्राइब और लाइक और शेयर करते रहिए।